देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुनहाना होटल मार्ग पर दोपहर बाद करीब 3 बजे मरिया की मोड़ पर हाईवा ने सवारियों से भरे थ्री व्हीलर में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों वाहन सड़क से नीचे गड्ढों में जा गिरे। हाईवा थ्री व्हीलर के ऊपर गिर गया, जिससे थ्री व्हीलर में सवार ज्यादातर सवारियां हाईवे के नीचे दब गई। इस घटना में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई है और 2-3 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुनहाना CHC से राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ रेफर कर दिया गया है। नलहड़ मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज चल रहा है, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। मिली जानकारी के मुताबिक सवारियों से भरा थ्री व्हीलर पुनहाना से होटल के लिए चला था। जैसे ही थ्री व्हीलर मड़िया की मोड़ के समीप पहुंचा तो सामने से आ रहे हाईवा ने थ्री व्हीलर को टक्कर मार दी। इससे दोनों वाहन गड्ढों में जाकर गिरे। इस दौरान थ्री व्हीलर हाईवा के नीचे दब गया। घटना में थ्री व्हीलर का पूरी तरह से कचूमर निकल गया। मरने वालों में दल्लाबास गांव में पढ़ाने वाली एक अध्यापिका भी शामिल बताई जा रही है। इस हादसे के दौरान होटल पुनहाना मार्ग तकरीबन आधे घंटे तक जाम हो गया, लेकिन पुलिस के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए जाम को खुलवा दिया। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विकास औलियान की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी आपका? जैद। जैद कौन सा गांव है? मड़िया। जैद, अभी जो एजेंट हुआ है हाल ही में, कैसे एजेंट हुआ है, कितने इसमें जो है अभी? यहाँ में 10-12 के समथिंग में आदमी है 10, और ये टेम्पो आ रहा हो जो पुनहाने की तरफ से आ रहा हो, और जो ये हाईवे है ये होटल की तरफ से आ रहा था। देख, एक गड्ढा है, गड्ढे से मतलब कट किया। किसने कट किया? CNG वाले ने जी। तो जैसे कट किया वो काफी दूर था ये हाईवे, उसको लुटता तो ले गया और खचेड़ते ले आए इसमें, तो उनकी बीच के कुछ तो तुरंत मर गए। दो बच रहे हैं, बस दो बच्चे बच रहे हैं। लोग तड़प रहे थे, तड़प रहे, बारिश आ रही, बच गए, दब गया था ये, भिज गए, बिल्कुल दब गए, जैसे इसने कुछ दब गए, कुछ भिज गए, कुछ तुरंत नुकनी मर गए। कैसे उनको निकाला है, किसने निकाला है? भाई मशीन से मशीन बुलाई, गांव के बंदे यहाँ पे हमारे जमशेद भाई की दुकान में तुरंत आ गए पास में, हम तो वहाँ से चल के आए। कितनी देर में जो है खिलाफ प्रशासन, कितनी देर में निकाला है प्रशासन को? मैं फोन किया था, कम से कम 1 घंटे में आई, और पुलिस ने, मैंने उनसे बोला जैसे 112 आई, मैंने कहा जनाब हेडरा चाहिए तुरंत, कोई गाड़ी वाले मदद करने के लिए नहीं, कोई भी मदद नहीं कर रहा। तो तो घंटे में आया, 2 घंटे तो ग्रामीणों ने मंगाया सारा कुछ अपनी तरफ। भाई अब ग्रामीण की मदद है, अभी कौन, अभी कहाँ गए, घायलों को कहाँ भर्ती किया गया? एम्बुलेंस, हाँ 1 घंटे में एम्बुलेंस आई। तो बरसात आ रही होगी ऊपर से? बरसात, ऊपर से बरसात यार, तो बहुत मुश्किल, बहुत काम हुआ होगा आपके लिए? बहुत परेशान, किसी के कांटे लग गए, किसी के घोड़ी कहाँ है, घायल कहाँ है, घायल कहाँ है, घायलों कहाँ भेजा गया? भाई हाथ कट गया, यहाँ से पैर मुड़ गए, और मतलब 2 ही बच्चे बच रहे हैं। वो पुराना हॉस्पिटल है सरकारी में, कुछ को मतलब इधर ले गया है एम्बुलेंस। कहाँ के हैं वो लोग? भाई कुछ पता नहीं भाई, हम जैसे पता लगी। भाई मेरा नाम जयकम है जी। कौन सा गांव? इंदाना गांव है जी। सामने हुआ था, कैसे हुआ था? भाई मेरे को पता पड़ा था कि भाई एक्सीडेंट हो गया, मैं हम 2-3 बंदे भाग गए यहाँ, सोचा था भाई वो बंदे भेज दिए थे, सारा लापरवाही रोड की भी है और ये डंपर वाले ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा एक SDM मारा, DSP मारा था ना, ये डंपर वालों ने मारा था। ये सारा वगैरह पुलिस की, प्रशासन के सारे हुए हैं, बदमाशी है, साजिश है, ये सारे अपने मिल भुल कर आप काम कर रहे हैं 2 घंटे। मेरा नाम भाई बताओ, मैं बच्चों की गाड़ी को लेकर आ रहा था, बस तो तभी ये एक्सीडेंट हुआ था। करीबन 1:45 का टाइम था, यहाँ पर बरसात हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ है। मतलब इसका जितनी मेहनत ग्रामीणों ने करी, इतना प्रशासन करता तो शायद किसी की जान बच सकती थी। यहाँ से 300 मीटर दूरी पर यहाँ पर जो है वो थाना है, इन्होंने 300 मीटर। सफी मोहम्मद। कौन सा काम है? बढ़िया। बताओगे एजेंट हुआ है, कैसे हुआ था, कब हुआ था? और ये असल में ये होटल तरफ से आ रहा था, जो हाईवे पुनान तरफ से आ रहा था ऑटो, तो ये कोई खड्डा बचाने की वजह से या कैसे कई तरीके से इसने इसमें टक्कर मार दी। तो हम यहाँ मौके पर आए थे, तो हमने जैसे निकाले, हमने यहाँ से डेड बॉडी जो वो 7 निकाली थी, बाकी उनमें से 2 सीरियस है।
करीब कितने लोग थे जो इसमें मतलब लगभग ये मैं बड़े 10 लोग हैं, 2 बच्चा है, हमारे जो नॉलेज में 12 आ रहे हैं। तो किसने निकाले? हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।